Assalamu alaikum, my name is Rizwan Cheema. Welcome back to the video. This video is about the exact location map of Harmony Park block jo kal launch kar diya gaya officially, aur is video mein explain karne ki koshish karunga ki is map ke mutabik kaun se plot, yani ki Harmony block mein jo certain dimensions ke plot launch kiye gaye the, unme kaun se plot ki location kya hai. Isme launch kiye to jo plot sabse pehle 3.5 marla plot the, 2.66 marla commercial plot the, 4 marla commercial plot the, 3.5 marla apartment ke villa apartment the, aur 5 marla ke villa apartment. Ye panch cheeze launch ki gayi thi Harmony Park block mein. Before going into the details, सबसे पहले मैं आपको मैप एक्सप्लेन करता हूँ कि एग्जैक्ट जो एलोकेशन है प्लॉट की वो कहाँ होंगे. इस वीडियो में आगे जाकर एक्सप्लेन करूँगा कि कौन से लोग होंगे जिनको प्लॉट की एलोकेशन इस हार्मी पार्क ब्लॉक में अलॉट होगी. इस वक्त अपनी स्क्रीन पे ओवरसीज वन हार्मी पार्क ब्लॉक की जो एग्जैक्ट लोकेशन है उसका मैप है, आप देख सकते हैं. मैं आपको डिटेल्स में सबसे पहले एक्सप्लेन करने से पहले एक्सप्लेन कर दूँ कि ये जो एरिया है ये ऑपोजिट टू ई ब्लॉक, और ई ब्लॉक के भी स्पेसिफिकली ये वाला जो पार्ट है, मैं अगर आपको ओवरसीज वन का बिफोर गोइंग टू द डिटेल्स ऑफ हार्मनी ओवरसीज़ वन के मैप से एक्सप्लेन कर दूं, तो ओवरसीज़ वन के मैप में जो ये वाला एरिया आपको नज़र आ रहा है जहाँ पे चार मरला के कमर्शियल प्लॉट्स हैं, इन चार मरला के कमर्शियल प्लॉट्स की जगह अब जो इनके ऑपोजिट साइड पे है ये एंट्रेंस रोड है हार्मी पार्क ब्लॉक का. तो हार्मी पार्क ब्लॉक जो है वो ओवरसीज़ वन ब्लॉक ई जहाँ पे सिर्फ पाँच मरले के रिजर्व ब्लॉक है उसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पर है. एंड गुड थिंग इज़ कि ये वाला जो एरिया है यहाँ पे ऑलरेडी ब्राउनिंग काफ़ी हद तक हो चुकी है, जो मैं आपको वीडियो में आगे जाके दिखा भी दूंगा. तो अगर एक्सपेक्ट किया जाए कि यहाँ पे पोजेशन कब तक आ सकता है, तो मोस्ट प्रोबेबली विद इन अ ईयर और सो यहाँ पे पोजेशन आने के बड़े अच्छे चांसेस हैं. उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे जो स्मार्ट सिटी ने हार्मी पार्क ब्लॉक को लॉन्च किया था वो 4 ईयर के पेमेंट प्लान पर लॉन्च किया था. तो तकरीबन ऑलमोस्ट सब इंडिविजुअल मेंबर जिसने भी प्लॉट बाय किया हुआ है उसको 6 महीने से लेके ऑलमोस्ट 1 साल का टाइम गुजर गया है यहाँ पे, और अभी उनकी अब लोकेशन में बैलेट होगी तो उसके बाद उनको 1 साल के बाद ऑलमोस्ट 50% टाइम गुजरेगा ओवरऑल स्केड्यूल का. तो 50% टाइम गुजरने के बाद होपफुली उनको पोजेशन यहाँ पे मिल जाएगा. तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं जी हार्मी पार्क ब्लॉक में किस तरफ से मैप एलोकेट होता है. ये जो मेन आपको रोड नज़र आ रहा है आर वन रोड, यहाँ पे आर वन रोड की विड्थ जो है 120 फीट हो जाती है. सर्विस रोड यहाँ पे ऐड हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि पीछे मेन आर वन की रोड की जो विड्थ है वो 180 फीट है, वहाँ पे सर्विस रोड एडिड नहीं है. लेकिन यहाँ पे सर्विस रोड एडिड होता है तो जो मेन रोड है वो 120 फीट बनता है, और उसके साथ ये 30 फीट का सर्विस रोड ऐड हो जाता है दोनों साइड पर. अब हम दूसरी साइड देखते हैं कि अपोजिट साइड पर हार्मी पार्क ब्लॉक ओवरसीज़ वन ब्लॉक ई की, तो उसमें देखिए सबसे पहले मेन बुलेवर्ड से जब आप एंटर होंगे हार्मी पार्क ब्लॉक में, तो ये जो मेन एंट्रेंस रोड है ये 40 फीट वाइड होगा, और इसके लेफ्ट साइड पे ये वाले जो प्लॉट्स आपको नजर आ रहे हैं ये 2.66 मरला कमर्शियल प्लॉट्स होंगे, और इसके साथ राइट साइड पे ये जो कि ग्रीन पार्क्स के लिए जगह रिजर्व की जाएगी, और इसकी फ्रंट पे 25-45 यानी 5 मरला के जो विला अपार्टमेंट्स हैं. याद रहे कि हार्मी पार्क ब्लॉक में 5 मरला के प्लॉट्स नहीं हैं, सिर्फ विला अपार्टमेंट हैं, तो वो इस तरफ लॉन्च किए जाएंगे. अगर हम बात करें मेन बुलेवर्ड की, तो मेन बुलेवर्ड पे जो फ्रंट साइड है वहाँ पे एंट्रेंस होने के साथ लेफ्ट साइड पे ये 4 मरला के कमर्शियल प्लॉट्स हैं जो लॉन्च किए गए थे हार्मी पार्क ब्लॉक में. 1.5 करोड़ रुपए इनकी प्राइस थी, और इनके साथ जो 15% एक्स्ट्रा चार्जेस थे मेन बुलेवर्ड के वो इन प्लॉट पर वेव ऑफ थे. तो यहाँ पर जो 4 मरला कमर्शियल प्लॉट हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्राइम तरीन लोकेशन पे. अगर मुझसे को पूछे कि 4 मरला के कमर्शियल प्लॉट इस वक्त स्मार्ट सिटी में सबसे ज़्यादा प्राइम लोकेशन के पे कहाँ हैं, तो मैं कहूँगा कि हार्मी पार्क ब्लॉक में. द रीज़न इज़ कि कोई भी 4 मरला कमर्शियल प्लॉट इस तरह मेन बुलेवर्ड पे नहीं आते. जहाँ भी मेन बुलेवर्ड पे प्लॉट हैं वो 8 मरला हैं या इससे प्लस साइज़ के प्लॉट हैं, 6 मरला 8 मरला, लेकिन 4 मरला कमर्शियल प्लॉट इससे पहले प्राइम लोकेशन पर नहीं आए. ये 25x36 का प्लॉट होगा ओवरऑल जो 4 मरला कमर्शियल होगा. इनकी बैक साइड पर जो कमर्शियल प्लॉट्स होंगे वो होंगे 2.66 मरला के. तो ये होगी मेन बुलेवर्ड के साथ जो एडजेसेंट कमर्शियल प्रॉपर्टी है उसकी बात. अब जो एंट्रेंस स्ट्रीट के साथ जो ये वाले अपार्टमेंट्स होंगे ये विला अपार्टमेंट्स होंगे 5 मरला के, ये सारे टिल दी एंड यहाँ तक कंटिन्यू करेंगे, और इसके सामने ये रोड रहेगा और इनकी बैक साइड पे ये ओपन स्पेस रहेगी, पार्क कह लें या कुछ भी कह लें लेकिन ओपन स्पेस रहेगी. इसके साथ जब ओपन स्पेस के साथ गैप देके पीछे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर फिर 2.5 मरला के कमर्शियल प्लॉट्स हैं, उनकी 18 फीट वाइड पार्किंग है, 24 फीट का ड्राइववे है, और ये कमर्शियल प्लॉट्स भी इस तरह इन कमर्शियल प्लॉट्स को भी दोनों साइड से एक्सेस होगी. यानी अगर आप इस तरफ से आते हैं मेन रोड से आप तब भी एक्सेस ले सकते हैं, और अगर आप इस साइड से आते हैं मेन रोड से तो आप इन पर डायरेक्ट एक्सेस ले सकते हैं. और इसके साथ यहाँ पे 20x40 के प्लॉट्स हैं, ये वाले जो हैं ये रेजिडेंशियल प्लॉट हैं 3.5 मरला के जो स्पेसिफिकली सेल किए गए थे. ये वाले सारे प्लॉट जो होंगे कैटेगरी प्लॉट होंगे, ये होंगे फ्रंट बैक ओपन प्लॉट, तो हर एक प्लॉट जो होगा वो कैटेगरी प्लॉट काउंट होगा. और यहाँ पे ये वाले प्लॉट भी हैं सारे फ्रंट बैक ओपन प्लॉट होंगे, यानी फ्रंट पे भी कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी और बैक पे कोई प्रॉपर्टी नहीं, तो ये फ्रंट बैक ओपन प्लॉट होंगे इस साइड से. और इसके बाद अगर अपोजिट साइड पर चलें तो यहाँ पे मेन
की बैक पे 2.66 मरला कमर्शियल प्लॉट की बैक साइड पे यहाँ पे कुछ कमर्शियल प्लॉट्स हैं, कुछ पीछे 5 मरला के अपार्टमेंट्स हैं। अब यहाँ पे जो कमर्शियल प्लॉट्स होंगे इवन द 2.66 मरला की, उनकी वर्थ काफ़ी ज़्यादा होगी फ्यूचर में, क्योंकि यहाँ पे जो आबादी है वो ज़्यादा होगी कंपैरिजन टू किसी और ब्लॉक के। द रीज़न इज़ कि यहाँ पे एक तो 3.5 मरला के प्लॉट्स काफ़ी ज़्यादा होंगे, नंबर वन। नंबर टू, जो यहाँ पे 5 मरला अपार्टमेंट बनेंगे, ये 5 मरला पे डबल स्टोरी अपार्टमेंट होगी, यानी कि आप कह लें कि एक अपार्टमेंट एक बिल्डिंग में, लेट से 5 मरला की बिल्डिंग है तो उस पर ग्राउंड फ्लोर पर सेपरेट फैमिली होगी, फर्स्ट फ्लोर पर सेपरेट फैमिली होगी और सेकंड फ्लोर पर सेपरेट फैमिली होगी। तो अगर एक अपार्टमेंट की हम लगाएं कि नंबर ऑफ मेंबर्स लिविंग इन वन बिल्डिंग, तो दैट वुड बी अराउंड 15, अगर हम 5 की अप्रॉक्सीमेट एवरेज लगाएं पर फैमिली। तो यहाँ पे आबादी का तनासब काफ़ी ज़्यादा होगा, तो उससे वैसे काफ़ी ज़्यादा इन कमर्शियल प्लॉट्स को एडवांटेज मिलेगा। यही मेन रोड आगे लीड करता है आगे की तरफ, तो इसमें आगे जाके यहाँ पे एक छोटा सा एक कर्व बनाया गया, यहाँ पे छोटी सी ग्रीनरी होगी और उसके साथ यहाँ पे 5 मरला के अपार्टमेंट और अपोजिट साइड पर 5 मरला अपार्टमेंट। इन 5 मरला अपार्टमेंट की जो बैक साइड पे ये वाले जो 20x40 के प्लॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये वाले जो प्लॉट्स होंगे ये वाले 3.5 मरला के प्लॉट्स होंगे और यहाँ पे फिर 3.5 मरला के प्लॉट्स होंगे। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें, यहाँ से अगर लेफ्ट टर्न ले हम और लेफ्ट टर्न लेके यहाँ पे एक छोटा सा कमर्शियल जोन होगा, यहाँ पे भी 4 मरला कमर्शियल प्लॉट्स हैं और इन कमर्शियल प्लॉट्स का फ़ायदा ये कि ये भी फ्रंट बैक ओपन प्लॉट्स हैं। यहाँ पे कमर्शियल प्लॉट कैटेगरी प्लॉट है, मेन रोड फेसिंग है लेकिन फ्रंट और बैक ओपन नहीं है, और कमर्शियल प्लॉट यहाँ पे जो है ये फ्रंट और बैक ओपन है, तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली को फूड कोर्ट और इस तरह की चीज़ें बनेंगी जो काफ़ी ज़्यादा रीजनेबली अच्छा रेंट प्रोवाइड करेंगी जिन भी मेंबर्स ने यहाँ पे प्लॉट एक्वायर कर रखे हैं 4 मरला प्लॉट के, कमर्शियल प्लॉट के। और अगर हम एंड की तरफ जाएं तो यहाँ बैंड वाली साइड पे फिर काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी अराउंड अबाउट है और यहाँ से वापस अगर एक छोटा ब्लॉक है। अब बात करते हैं जी यहाँ पे किन लोगों को प्लॉट्स एलोकेट होंगे, मैं आपको वीडियो में कुछ साइट की फुटेज दिखा देता हूँ और उसके साथ मैं बाकी चीज़ें भी इसके हवाले से ऐड कर दूंगा। अगेन बैक टू द एक्चुअल साइट ऑफ हार्मी पार्क ब्लॉक, और इस हार्मी पार्क ब्लॉक में जो जिन लोगों को प्लॉट एलोकेट होंगे, नंबर वन इसके जिन लोगों ने जब से प्लॉट बाय किया और अपनी सारी इंस्टॉलमेंट अप टू डेट क्लियर रखी है, उनकी अप्रॉक्सीमेट इंस्टॉलमेंट का जो ड्यूरेशन बनता है इस टाइम में वो तकरीबन 20% बुकिंग के बाद जो 20% आसपास 20 से 25% अराउंड 45 to 50% जिनका प्लॉट के पेड होंगे पैसे, वो विला अपार्टमेंट हों, वो 3.5 मरला प्लॉट हों, वो 2.66 मरला कमर्शियल हों, वो 4 मरला कमर्शियल प्लॉट्स हों, तो उनको यहाँ पे प्लॉट की एलोकेशन की जाएगी। यहाँ पे प्लॉट एक सोसाइटी के मुताबिक यहाँ पे लिमिटेड नंबर में प्लॉट होंगे, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेस पे जिन लोगों के ऑल ड्यूज़ क्लियर होंगे, सारी इंस्टॉलमेंट अपडेटेड होंगी, तो उनको यहाँ पे प्लॉट एलोकेट किए जाएंगे। मे बी इन फ्यूचर जो लोग इस जगह पे लोकेशन ना हासिल कर सके और इंस्टॉलमेंट अपडेट ना कर सके टाइम पे, उनको फ्यूचर में किसी और जगह पे हार्मी ब्लॉक ब्लॉक कोई दूसरा लॉन्च किया जाए तो उसमें एडजस्ट किया जाए। फॉर द टाइम बींग जो हार्मी ब्लॉक ब्लॉक है इसमें जिन लोगों की इंस्टॉलमेंट्स अप टू डेट होंगी उन्हीं को ही एलोकेट किया जाएगा। सो वेल दिस वॉज इट फ्रॉम टुडे। अगर आपको स्मार्ट सिटी बुकिंग के हवाले से कुछ मालूम चाहिए तो मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है +92345999981। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट एंड शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। रिजवान चीमा को दीजिए इजाजत, अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।